कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो मुद्दे उठाए हैं उसका जवाब नीतीश कुमार को देना चाहिए, क्योंकि जगता बाबू ने नवंबर महीने में एक चैनल को साक्षात्कार दिया था जिसमें ये कहा था कि 2023 के प्रारंभ में तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश जी केंद्र की राजनीति करेंगे, और स्वयं नीतीश कुमार ने कहा है कि 2025 का नेतृत्व करेंगे तेजस्वी यादव। तो कोई ना कोई डील तो हुआ है और दोनों दलों के मर्जर के बारे में भी सहमति बनी थी। ये बात अलग है अगर नीतीश कुमार लालू यादव को फिर एक बार धोखा देने जा रहे हैं, और अगर उपेंद्र कुशवाहा जी ने यह कहा कि जनता दल यू कमज़ोर हो रही है, इसमें गलत क्या है? अगर कमज़ोर नहीं होती जनता दल यू तो गोपालगंज और कुर्दी में चुनाव क्यों हार जाते ये लोग? अगर कमज़ोर नहीं होती तो जनता दल यू को पिछले विधानसभा चुनाव में 44 सीटें क्यों आती? तो अगर कोई पार्टी के भीतर मुद्दा उठा रहा है उसका जवाब देना चाहिए, उसको चुप कराने के बजाय। लेकिन नीतीश कुमार में हिम्मत नहीं कि उन बातों का जवाब दे सके, क्योंकि फिर एक बार वो लालू यादव को धोखा देने जा रहे हैं। इंतज़ार कीजिए लालू यादव के लौट कर आने का। जो डील हुआ है अगर उस डील के अनुसार नीतीश कुमार ने काम नहीं किया तो उनको मुख्यमंत्री की गद्दी भी उनको छोड़नी पड़ सकती है। सर सवाल ये है कि उपेंद्र कुशवाहा आने, ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, इस तरह के मामलों पर राज्य समिति निर्णय नहीं करती है, ये निर्णय केंद्र की समिति करती है। मुझे नहीं मालूम है कि केंद्र इसके बारे में क्या रुख लेगा, वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मुझे यानी राज्य की इकाई को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। लगातार राजद के मंत्री जो है नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं, क्या लग रहा है नीतीश कुमार मौन क्यों है? नहीं देखिए, जिस तरह से डॉक्टर चंद्रशेखर का बयान आया, आलोक मेहता का बयान आया, रसूल बलियावी का बयान आया, ये लोग बिहार के अंदर जातीय युद्ध पैदा करना चाहते हैं, धर्म युद्ध पैदा करना चाहते हैं। बलियावी तो कह रहे हैं कि अगर कोई मोहम्मद साहब के बारे में एक शब्द भी कहेगा तो हर शहर को करबला बना दिया जाएगा, यानी हर शहर में हिंदुओं का कत्लेआम करा दिया जाएगा। तो नीतीश जी आप मुख्यमंत्री हैं, भले ही दो नेता गठबंधन के नेता होंगे, राजद के लोग होंगे, लेकिन राजद तो उनके समर्थन में खड़ा दिखाई पड़ रहा है। आप इतने कमज़ोर हो गए, इतने बेचारे हो गए, इतने कि आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री में तो अगर हिम्मत होती तो डॉक्टर चंद्रशेखर को अभी तक बाहर का रास्ता दिखा दिया होता। तो जो लोग रामचरितमानस के बारे में, जो लोग ऊंची जातियों को गाली दे रहे हैं, कल आपने महाराणा प्रताप की जयंती मनाई, स्वाभिमान रैली कर रहे हैं, और आपका स्वाभिमान की यह स्थिति है कि आपने लालू के चरणों में उनके सामने घुटना टेक, उनके घुटने के सामने झुक गए आप जो है, तो कहाँ महाराणा प्रताप थे जो कभी झुकने के लिए तैयार नहीं हुए, और आज आप गद्दी के लिए आप लालू यादव के सामने झुकने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो देखिए बिहार की राजनीति में 2023 का वर्ष उथल पुथल का वर्ष होगा, और आगे आने वाले दिनों के अंदर बिहार में काफ़ी बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।